नमस्कार दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी में डैम पढ़ने वाले हैं। आज से जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी रुका हुआ था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और हम डैम के बारे में समझेंगे कि इंडिया में किन किन जगहों पे कौन कौन से प्रकार के डैम पाए जाते हैं। ठीक है, कि इंडिया में किन किन रिवरों के ऊपर डैम है। तो ये डैम जो है, जो बांध में ये खत्म करूंगा, ये जो टॉपिक है बांध का, इसको मैं कम से कम 3 वीडियो में खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 3 वीडियो मान के चलो, क्योंकि मैंने चाहता कि डैम से कोई भी प्रश्न पूछा जाए और आप गलत कर दें या छोड़ दें। ठीक है, गलत करने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि मेमोरी ट्रेनिंग में मैं चीजें किस तरह से याद करने रहती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने मेमोरी ट्रेनिंग में वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, और वहां पर ट्रिक बताता हूँ कि चीजें किस तरह से याद करनी है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे अभी देखिए, जो ट्रिक हमने वहां पे उस मेमोरी ट्रेनिंग में जो भी ट्रिक करके याद किए थे डैम, वो डैम के नाम आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, बट कुछ डैम के नाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने सारे डैम नहीं कराए थे। मैंने आपको बोले थे कि मैंने ट्रिक बता दूंगा, आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आधे मैंने ट्रिक बताए थे और आधा आपको ये बताया कि किस तरह से करना है, तो उसको पूरा आप करने वाले हो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर देते हैं डैम। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, वो डैम। तो भारत में हर रिवर पे डैम है। ठीक है, हर रिवर पे डैम है, तो हम धीरे धीरे करके देखते हैं उन रिवरों के ऊपर कौन कौन से डैम है। तो आप पहला आइडिया डालेंगे यमुना रिवर डैम। ठीक है, यमुना नहीं, नर्मदा रिवर डैम आप डालेंगे। ठीक है, नर्मदा रिवर डैम पे क्या है, आप लिखेंगे ऐसा कि नर्मदा रिवर डैम, यह नर्मदा रिवर डैम पे चार डैम महत्वपूर्ण है। कितने डैम महत्वपूर्ण है, चार डैम। पहला डैम कौन सा है, यहाँ पे देखो, सरदार सरोवर डैम। पहला कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम। मैं आपको कोई भी डैम पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं मैं डायरेक्शन में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको डैम कंटिन्यू ऐसा बताते जाऊंगा, आप उसको समझते जाइए और लिखते चले जाइए। तो यमुना पे कितने डैम है, चार। पहला कौन सा, सरदार सरोवर डैम। दूसरा है महेश्वर, ठीक है, महेश्वर डैम। तीसरा है ओमकारेश्वर डैम और चौथा है नर्मदा सागर। तो ओमकारेश्वर डैम, इसको मैंने बताया था किस तरह से इसको याद करना है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो मेमोरी ट्रेनिंग जाके देख के आइए। सरदार सरोवर डैम भी मैंने आपको बताया था कि नर्मदा रिवर पे है, नरम गद्दा। ठीक है, मैं यहाँ पे उस चीज को डिस्कस नहीं करूंगा, अगर आपको देखना है तो आप जाके वहां पे देख के आइए, नर्मदा सरोवर डैम और महेश्वर। ठीक है, तो यमुना रिवर पे आपके पहले ये समझ लेते हैं डैम बनाए क्यों जाते हैं, रिवर्स के ऊपर डैम बनाए क्यों जाते हैं। कोई भी रिवर जब फ्लो करती है, ठीक है, तो वो अपने आजू बाजू एरिया को क्या कर पाती है, वाटर से फुलफिल कर पाती है, मतलब खेती के लिए अनुकूल हो जाता है। यमुना रिवर के आजू बाजू जो भी प्रदेश है वहां पे आप देखोगे तो वहां पे हरियाली पाई जाती है। ठीक है, वहां पे खेती बहुत अच्छी खासी होती है, खेती में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनको पानी यहाँ पे भरपूर मिल रहा है। ठीक है, तो जब पानी भरपूर मिल रहा है तो सिंचाई भी क्या हो जाएगी, अच्छी खासी हो जाएगी। बट अब एक चीज, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, वहां पे सिंचाई भी अच्छी खासी हो जाएगी। हमने मॉनसून जब चैप्टर पढ़ा था, मॉनसून टॉपिक को जब खत्म किया था, मैंने आपको बताया था कि भारत में किन किन जगहों पे शीत में वर्षा होती है, मतलब जब ठंडी रहती है तब, और जब गर्मी होती है विंटर में, विंटर ठंडी में और समर में, कौन कौन सी जगहों पे वर्षा होती है, कौन कौन सी जगहों पे नहीं होती है। तो उसमें हमने देखा था कि ये क्षेत्र जो था बहुत सूखा था। ठीक है, ये क्षेत्र बहुत ज्यादा सूखा था, शैडो रीजन मैंने बताया था, रैन शैडो रीजन करके वीडियो मैंने डाला था, वहां पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे मैंने टॉपिक करके बताया हुआ है कि वहां पे बारिश नहीं होती है। तो जहां पे बारिश नहीं होती वहां पे सिंचाई के लिए, वहां पे विद्युत बिजली के लिए, करंट के लिए डैम बनाए जाते हैं रिवर के ऊपर, ताकि वहां तक नहरों द्वारा क्या हो जाए, पानी पहुंचाया जाए और वहां पे भी बिजली प्रोड्यूस की जाए। ठीक है, करंट प्रोड्यूस की जाए, घरों घरों में लाइट पहुंचाई जाए और सिंचाई की जाए, पानी की सुविधा दी जाए। तो अब हम देखो राजस्थान में किस तरह से पूरा सूखा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सूखा पड़ा हुआ है, तो उसको वहां तक पानी पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर के ऊपर डैम बनाते हैं और उसी डैम के थ्रू नहरों द्वारा शहरों शहरों में पानी पहुंचा देते हैं। जैसे ये डैम, ये रिवर है नर्मदा, तो यहाँ पे मैंने एक डैम बना दिया, यहाँ पे एक सागर जल जमा हो जाता है, यहाँ पे नहरों के थ्रू में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे पानी पहुंचा देते हैं, ताकि उस उन गांव में भी क्या हो, सिंचाई हो सके, और सिंचाई होने के साथ साथ वहां पे बिजली भी बनाई जा सके और बिजली लोग यूज भी कर सके। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, नर्मदा रिवर की। ठीक है, और आप क्या समझ सकते हैं कि नर्मदा रिवर यह भारत की छठवीं सबसे लंबी रिवर है। कौन सी, छठवीं सबसे लंबी रिवर है। फर्स्ट कौन सी है, गंगा है। आप पहले कौन सी लिखेंगे, गंगा लिखेंगे। दूसरा कौन सी लिखेंगे, गोदावरी रिवर। ठीक है, गंगा कहां पे फ्लो करती है, यहां पे, फिर गोदावरी और फिर कृष्णा,
और फिर यमुना, ये चौथी और ये पांचवी, ठीक है। पांचवी सबसे लंबी रिवर कौन सी है? नर्मदा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नर्मदा सबसे लंबी रिवर है। पहला गंगा, दूसरा गोदावरी, तीसरा कृष्णा, यमुना। ब्रह्मपुत्र भारत की रिवर नहीं है। ब्रह्मपुत्र भारत की रिवर क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलने के बाद एंट्री जहां से करती है, अगर इंडिया में पूरी तरह से होती तो वो लंबी रिवर होती थी, बट इंडिया में वो कहां से? यहां से एंट्री करती है, ठीक है। तो इसलिए वो इंडिया की रिवर नहीं। तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा, ये आपने इतना समझ गया रहेगा, ठीक है। तो और इसमें से एक डैम बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला, ठीक है। कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम क्यों बनाया जा रहा है? सरदार सरोवर डैम इसलिए बनाया गया है क्योंकि गुजरात के भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो सूखे हैं, वहां पे भी वाटर अभी तक पहुंच नहीं पाया, सिंचाई नहीं हो पाती, खेती बहुत कम हो पाती है। तो वहां पे क्या करते हैं, वो डैम्पो को बना बना के वहां पे नहरों द्वारा पानी पहुंचाया जाते हैं, ठीक है। अगर ये डैम बना तो यहाँ पे गुजरात के साइड पे भी हमको पानी वाटर देखने को मिलेंगे, पूरी सिंचाई होगी वहां पे भी, और इसी के थ्रू हमको राजस्थान में भी पानी पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। राजस्थान में बहुत सारा क्षेत्र सूखा है। एक पॉइंट है इंदिरा, इंदिरा इंदिरा जलाशय करके है, इंदिरा से तो हमको राजस्थान में पानी मिल जाती है, बट पूरे राजस्थान में पानी नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से यह भी क्षेत्र राजस्थान का सूखा ग्रस्त है, उसके लिए भी काम चालू है, ठीक है। तो ऐसे भारत में बहुत सारे जगह है जहां पे सूखे क्षेत्र पाए जाते हैं, और वहां तक वाटर पहुंचाने के लिए हम डैम का यूज करते हैं। रिवर के ऊपर डैम बनाए जाते हैं और नहरों द्वारा उन जगहों पे पानी पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए किसके? नर्मदा रिवर के, ठीक है। अब आगे आप समझेंगे, आगे आप देखेंगे सोन रिवर, सोन रिवर, ठीक है। सोन रिवर यह यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। सोन रिवर यह यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल रिवर, सॉरी, ये सोन है, ये चंबल रिवर है, हम चंबल रिवर पढ़ेंगे, इसके बाद ये चंबल। चंबल रिवर यह यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, चंबल रिवर पे तीन महत्वपूर्ण डैम बनाए जाते हैं, बने हुए हैं, ठीक है। कितने महत्वपूर्ण डैम बने हुए? तीन। और डैम के बाजू में देखो, अगर हम कोई रिवर है, यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, ये डैम है, तो डैम जहां पे बनता है उसके आगे आप देखेंगे तो बड़ा जलाशय होता है, मतलब ऐसा एरिया जहां पे बहुत अधिक एरिया तक पानी घिरा हुआ था, पानी लिया रहता वो एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे डैम बना दे, तो डैम, आप डैम देखे होंगे कि डैम कैसे बनाए जाते हैं, रिवर के बीच को काट के, उनके बीच को काट के जलाशय जमा किया जाता है, बहुत ज्यादा वाटर को किया जाता है, और उसी को नहरों के द्वारा क्या किया जाता है, शहरों शहरों में छोड़ा जाता है, ठीक है। उसके लिए बहुत खर्चे होते हैं डैम बनाने के लिए, इसीलिए जो ये प्रोजेक्ट होते हैं धीरे धीरे बनते रहते हैं, जहां जहां पे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वहां पे ये अधिक बनता है। जैसे नर्मदा रिवर पे 1, 2, 3, 4 डैम बना दिए गए हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसकी जरूरत थी हमको। ओके, आगे यहाँ पे गुजरात में बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, चंबल रिवर पे तीन महत्वपूर्ण, उनके नाम क्या क्या है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे इनमें तीन महत्वपूर्ण कौन कौन से, पहला है जवाहर सागर, ठीक है। कौन सा है? जवाहर सागर चंबल पे है, राणा प्रताप सागर वो भी चंबल पे है, और गांधी सागर ये भी चंबल रिवर पे, ठीक है। तो गांधी सागर, चंबल, ये मैंने मेमोरी ट्रेनिंग में आपको बताया था किस तरह से सिंपल है। गांधी सागर एमपी में फ्लो करती है, ठीक है। राणा प्रताप ये भी कहाँ पे? चंबल एमपी में है, ठीक है। और जवाहर सागर, ठीक है। तो जवाहर सागर मैंने मेमोरी ट्रेनिंग में बताया था इसको बाहर, तो आप पहले मेमोरी ट्रेनिंग में भी देख लीजिए, वो चीजें मैं आपको बताया हूँ, यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे तीन डैम किसने बनाए गए? तीन डैम इसलिए बनाए गए क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा सूखा ग्रस्त है, जिसकी वजह से ये डैम बना के नहरों द्वारा इनपे क्या किए जाते हैं, एमपी में पहुंचा जाते हैं, ठीक है। चंबल रिवर यहाँ पे एमपी में बहुत ज्यादा वाटर सिंचाई के लिए यूज होते हैं चंबल रिवर से, ठीक है। तो चंबल रिवर का तीन डैम महत्वपूर्ण है, तीनों डैम, और तीनों डैम किसने बनाए गए आप समझ गए रहेंगे, ठीक है। आगे आगे आप हेडिंग डालेंगे ये वाला, ठीक है। कौन सा रिवर? यहाँ पे देखिए हरिके डैम, ठीक है, हरिके बैराज डैम। हरिके बैराज क्या है? देखो हरिके बैराज डैम यह कपूरथला, आप देख रहे हो हरिके बैराज है, ठीक है। हरिके बैराज क्या है? कपूरथला। किस कपूरथला में? जहां पे सतलुज रिवर, और ये रिवर आप देख रहे हैं, ये हमारा कौन सा है? सतलुज रिवर और ये ब्यास रिवर, ठीक है। यहाँ ब्यास रिवर जो भारत से निकलती है और ये सतलुज रिवर जहां पे मिलती है उस जगह का नाम है कपूरथला, और उसी कपूरथला पे एक डैम बना दिया गया है, उस डैम को बोलते हैं हरिके बैराज, ठीक है।
हरके बैराज पे वो डैम बनाया गया है। किस लिए डैम बनाया गया है? क्योंकि राजस्थान में वाटर की बहुत ज्यादा कमी है, वहां पे सिंचाई नहीं हो पाती है। बट अभी आप देखेंगे तो वहां पे आप जाएंगे तो आप भी देखेंगे कि राजस्थान में भी सिंचाई होती है। उसका रीजन क्या? हरके डैम है। तो हरके डैम से वहां से एक इंदिरा पॉइंट, क्योंकि नहर निकाला जाता है, ठीक है, वो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा से ही, इंदिरा डैम से ही क्या होता है, वहां से वाटर के रूप में पूरे राजस्थान में पानी आता है। ठीक है, चार ऐसे क्षेत्र है, चार जिले है जहां जहां पे वाटर के थ्रू, मतलब इसी हरके डैम के द्वारा नहर बना बना के पानी पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे भी सिंचाई एक महत्वपूर्ण हो गई है, वहां पे भी सिंचाई होती है। ठीक है, और यही आगे की तरफ बहते हुए फिर यहाँ पे लुप्त हो जाती है। और यहाँ पे आप लूनी रिवर भी देखेंगे, लूनी रिवर भी डैम है, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। आगे आप देखिए, आगे ये आप याद रखना, एग्जाम में पूछ लेते कभी कभी कौन सी जगह पे मिलता है इंदिरा, अगर पूछा हरके बैराज किन दो नदियों के बीच, किन दो नदियों पे स्थित है, तो कौन से? सतलुज और व्यास रिवर। ठीक है, तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, एक रिवर ये बच गया है हमारा और एक रिवर ये बच। तो हम पहले दामोदर रिवर के बारे में बात कर लेते हैं और फिर, हाँ ठीक है, दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर पे चार महत्वपूर्ण डैम है, यहाँ पे चार डैम बनाए गए। ठीक है, इसी दामोदर रिवर पे कितने डैम बनाए गए हैं? चार डैम बनाए गए। तो वो दामोदर नदी के चार डैम कौन कौन से है? कोनार, ठीक है, मैथोन, तलैया और पंचेत। इसको भी आप ट्रिक करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार डैम कहाँ पे बनाए गए हैं? दामोदर रिवर पे। आगे आप समझेंगे कि दामोदर रिवर को पश्चिम बंगाल का श्योक रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्योक रिवर के रूप में जाना जाता है। श्योक रिवर किस लिए यहाँ पे श्योक रिवर? इस रिवर को बोला, बिहार का श्योक रिवर कौन सा है? बहुत सारे हमारे पास श्योक रिवर है। क्यों श्योक रिवर इसलिए कहा जाता है? क्योंकि वो रिवर वहां पे क्या लाती है? फ्लड लाती है। ठीक है, जब बारिश में वर्षा उनमें बहुत ज्यादा हो जाता है, कैपेसिटी वो छोड़ देते हैं, तो वहां पे फ्लड लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं फ्लड की वजह से वो शहर पूरी की पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, इसलिए इसको श्योक रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी रिवर को पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाने के लिए रोकने के लिए यहाँ पे कितने डैम बना दिए गए हैं? चार डैम बना दिए गए हैं। उनमें चार डैम कौन कौन से? कुन्नार, मैथोन, तलैया एंड पंचेत। ठीक है, यह दामोदर रिवर हुगली रिवर से मिल जाती है। हुगली रिवर कहाँ से निकलती है? गंगा रिवर से निकलती है और फिर इससे मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आइए, अब कोसी रिवर लिखिए। ठीक है, कोसी रिवर, कोसी रिवर ये कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कोसी रिवर तिब्बत से निकलती है और बंगाल में, बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बिहार में प्रवेश करती है और बिहार का श्योक रिवर कहा जाता है इसे। कोसी रिवर यह बिहार का श्योक रिवर है। ठीक है, और ये किसकी सहायक नदियां हैं? कोसी रिवर यह गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और ये कहां पे मिलती है गंगा से? भागलपुर पे। कहां पे? भागलपुर से, भागलपुर पे गंगा रिवर से यह मिल जाती है और बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार का स्टेट इसको श्योक रिवर कहा जाता है, क्योंकि ये रास्ता चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा मानी जाती है बिहार में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या करती है कि जब ऊपर की तरफ से बहती है, जब हिमालय की रिवर हिमालय की तरफ से आती है, तो हिमालय को पूरा काट छाड़ देती है और हिमालय से बहुत ज्यादा औसादे लेके आती है। और वो औसादे यहाँ पे ये जो भाग है ये प्लेन भाग है, और इसी प्लेन भाग से वो होकर आगे नहीं निकल पाती है और अपने ही द्वारा लाए गए साधु से अपने ही रास्ते को क्या कर देती है? अवरोध कर देती है, रोक देती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती है और आगे ना बढ़ जाने की वजह से वो अपना रास्ता चेंज कर देती है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो वो क्या करती है? अपना रास्ता चेंज कर देती है, जिसकी वजह से वो बिहार की तरफ मुड़ जाती है और वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा बाढ़ आ जाता है। ठीक है, और इसी चीज को देखते हुए नेपाल में यह हनुमान नगर बैरेज बनाया गया। ठीक है, क्या? हनुमान नगर बैरेज। ठीक है, ये बैरेज यहाँ पे बनाया गया है। जब नदियों का पानी ज्यादा हो जाता है तो वहां पे उसको रोक दिया जाता है, पानी के डैम के द्वारा उसको क्या कर देता है? रोक दिया जाता है। ठीक है, तो डैम का बहुत ज्यादा लाभ भी है, बहुत ज्यादा हानि भी है। क्या है लाभ हानि हम देखेंगे, दो तीन वीडियो में देखेंगे क्या क्या लाभ इसके होते हैं, क्या क्या हानि होते हैं। पहले हम सिर्फ डैम कहाँ कहाँ पे कौन कौन से है उनके बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दामोदर, ये हो गया इसके बारे में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में भी ये डैम के ऊपर ही होगा और डैम के बारे में भी हम देखेंगे कि और कहां कहां पे कौन कौन से महत्वपूर्ण डैम होते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज यहाँ पे बच गया था, इटावा। ठीक है, चंबल रिवर
कहां पे जाके मिल जाती है यमुना से? इटावा में, ठीक है। तो ये भी आप नाम याद रखें, नाम ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताओ कि चंबल रिवर यमुना रिवर पे कहां मिलती है। तो ये सब भी मैंने रिवर जब पढ़ाया हुआ था तो रिवर में बताया था, बट फिर भी एक बार वापस से बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होगा डैम, इसके बाद जो होगा वो भी डैम के ऊपर ही होगा, तीन वीडियो में। एक बार जो थर्ड वीडियो होगा, ये फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो में डैम पढ़ेंगे, थर्ड वीडियो में पूरी डैम जितने भी भारत में डैम है उनका एक पीडीएफ बनाऊंगा, ठीक है, बोर्ड पे लिख दूंगा सारे डैम और उसको आपको मैं एक बार समझा दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से मेमोराइज कर पाए, ठीक है। और मेमोराइजिंग टेक्निक मैं आपको बता चुका हूं, तो आप उसी तरह से ट्रिक बना बना के सारे जो भी बात जितने भी डैम से आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।